गुजरात में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बीच चुनाव आयोग के पास चुनौती भरा किस्सा सामने आया है। गुजरात के महिसागर जिले के संतरामपुर के प्रथमपुर में बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना घटी है। यहां संतरामपुर में मतदाताओं के मत खुद ही डालकर सोशल मीडिया पर लाइव आने वाले युवक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विजय भाभोर नामक युवक संतरामपुर में सिर्फ विजय भाभोर ही चले ऐसा कह रहा है। साथ ही वो मतदान केंद्र के कर्मचारियों को धमका भी रहा है। ये शख्स स्टाफ को धमकाकर मतदान करने आने वाले लोगों के वोट खुद ही डलवा रहा है। ये शख्स ईवीएम के साथ नाचता हुआ भी वीडियो में दिख रहा है। अरे साहब पर 5-10 मिनट दे डाले चलवा दो नहीं हमें हाल ले बस 5-10 मिनट दे डाले चलवा दो आपने बैठा चाहिए ओके ये मानसी करवानी है तो 2-5 मिनट साहब दे डाले चलवा दो आपने बैठा चाहिए आका दिवस में डाले छे ने हमरा दबा वेर में लुटाई गयो चलवा दो अभी इतना ना चले बीजेपी चले बाबूर चले ના કામ લાગે એક જ ચાલે વિજય બાપુ આપડે દબાઈએ કોઈનું ના ચાલે એક જ ચાલે વિજય બાપુ ચાલે અલે યાર પટાવન યાર ટાઈમ વેસ્ટ મત કરો મને કહો યાર બાકી હું આ મશીન લઈને જતો રહે ઘેરે હમણાં થાક્યો હું આ લોકો ફટાફટ લાવો બાકી આ મશીન ઘેર લઈ જઈએ હમણાં वीडियो में दिखने वाला शख्स विजय भाभोर संतरामपुर के गोठीब तालुका पंचायत के पूर्व तालुका प्रमुख रमेश भाभोर का बेटा है। विजय भाभोर के गृह मंत्री हर्ष संघवी कैबिनेट मंत्री निमिषा सुथार समेत कई भाजपा नेताओं के साथ फोटो भी हैं। बूथ कैप्चरिंग की घटना सोशल मीडिया में वायरल करने वाले इस शख्स के खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई है। संतरामपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है। वहाँ प्रथमपुर 220 बूथ नंबर पे संतरामपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का है और वहाँ पे एक घटना घटित हुई है। वो लोकशाही का हनन हुआ, लोगों को वोट देने नहीं दिया, लोग लाइन में हैं अंदर और बूथ कैप्चरिंग करके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सत्ता के मत में लोकशाही का हनन किया है, लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखा है। अधिकारी द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है? अधिकारियों ने बोला है कि हम इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लेंगे। अभी आपकी क्या मांग है इस घटना को लेकर? हमारी मांग है कि लोगों को मतदान का जो अधिकार का हनन हुआ है उसको रीपोलिंग करके उसका अधिकार देना चाहिए
और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस सभी के सामने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जैसे वो बार बार ऐसा होना। आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारी ओर से हमने वहाँ पे इंक्वायरी किया है और घटना घटित हुई है वो सत्य। लगभग 10:40 के आसपास यहाँ के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था और एक वीडियो भेजा था जिसमें एक यंग बॉय मतलब एक बूथ में मतलब बोगस वोटिंग कर रहा है उस तरह का दिखाया गया था। जैसे उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजा, हम लोगों ने हमारे जो ARO है, पहले तो पता नहीं था कि वो कहाँ का वीडियो है, तो मैंने उनको बूथ डिटेल्स वगैरह मांगा तो उन्होंने बताया कि ये मे बी संतरामपुर AC में से हो सकता है। तब तक मैंने सारे हमारे जो ARO है उनको वेरीफाई करने के लिए बोला था कि ये अपने यहाँ का ही है या कैसा है, चेक करो। तो उन्होंने जो कंप्लेनेंट है उन्होंने व्हाट्सएप पर ही मुझे बताया गया है कि ये संतरापुर साइड का वीडियो है। तो फिर मैंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजा, वहाँ के जो ARO संतरापुर है उनको भी वेरीफाई करने के लिए भेजा, लेकिन उनके पास भी ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कि इस तरह की कोई चीज़ हुई है। आज हम लोगों ने स्क्रूटनी भी किया, उस वक्त भी हमने देखा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसकी डायरी में भी उसका कुछ उल्लेख नहीं था। तो इस ये वीडियो जो है वो सही है या गलत है उसको उसकी जांच करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ महिसागर के पुलिस तंत्र जो है वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, वहाँ के DO जो है वो भी अपनी तरफ से इसकी चेकिंग कर रहे हैं और हमने भी योग्य जगह पर उसको भेजा है। सर, प्रभाबेन तावियाड ने दोबारा मतदान करने की मांग की, उसके बारे में क्या कहें? दोबारा मतदान जो होता है वो कराने का हक जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। हम जो भी फैक्ट्स हमारे सामने है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे और उसके बाद में कमीशन निर्णय लेगा कि यहाँ पे ऐसा करना जरूरी है या नहीं। सर, ये जो वहाँ पे जो ये घटना बनी वहाँ CCTV कैमरे थे क्या? वो क्रिटिकल बूथ नहीं था, इसकी वजह से वो वेबकास्टिंग में नहीं था, तो वो भी हमने चेक करवाया, वहाँ वेबकास्टिंग नहीं था। वहाँ के कोई अधिकारियों ने ये इस बाबत पे कोई ध्यान दूरा हो तंत्र का पुलिस को? एक्चुअली ये सब हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिला, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर अभी भी कहीं से पुष्टि नहीं हुई है कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ था, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके आधार पर हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।